हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीति कला में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा पर्स का डिज़ाइन लेकर के आया हूँ। ये जो हम पर्स तैयार करेंगे ये वेस्ट फैब्रिक से करेंगे। यहाँ पे जो बचे हुए कपड़े होते हैं उनमें से हम किस तरीके से बहुत सुंदर सा पर्स तैयार कर सकते हैं ये आज इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे एक अंदर की साइड के लिए हमने अस्तर वाला फैब्रिक लिया हुआ है, ये भी हमारे पास बचा हुआ कपड़ा होगा। और एक हमने मेन फैब्रिक लिया हुआ है, ये भी हमारे पास वेस्ट कपड़ा जो होता है साइनिंग वाला, बहुत ही प्यारे से फ्लावर है। इसमें से हम छोटा सा एक बहुत ही प्यारा सा आज आपको पर्स बना करके दिखाएंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें कितने बाई कितने का पर्स तैयार करना है। ये हमारी जिप हो गई, जिप वाला पर्स बनाएंगे। और जितने बाई जितने का भी हमने यहाँ पे पर्स तैयार करना होता है उस हिसाब से हमने दो पीस यहाँ पे बुकरम के कटिंग कर लेने हैं। ये हमारे पास पेस्टिंग वाली बुकरम है, इनका हम साइज आपको नाप के बता देते हैं। जैसे इसकी जो लंबाई की बात करें तो 9.5 इंच होगी, 9.5, और चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पे होगी 6.5। इसी साइज के हमारे पास ये दो पीस होंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों पीसों को जो हमारा मेन फैब्रिक होगा जो बाहर की साइड आएगा इसके ऊपर पेस्ट कर लेना है। यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे और ऐसे रखते हुए यहाँ पे प्रेस से अच्छे से इसको चिपका लेंगे। दोनों पीस दोस्तों हमने यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर लिए हैं। अब हमें बाहर की साइड में तकरीबन 1/2 से 1.25 इंच का मार्जिन रखते हुए कटिंग कर लेने हैं इस तरीके से। बिल्कुल बराबर मार्जिन रखेंगे, कहीं पे भी मार्जिन कम ज़्यादा ना हो। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जैसे हमने ये वाला पीस कटिंग किया है सेम इसी साइज का हम ये पीस भी कटिंग कर लेते हैं। इसमें भी बाहर की साइड हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना होता, सिर्फ हल्का हल्का मार्जिन रखते हैं। दोनों पीस हमने यहाँ पे बराबर कटिंग कर लिए हैं। अब हमें ये तो हो जाते हैं हमारे ऊपर वाले पीस जो कि दोनों साइड में इस तरीके से आएंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। अब हमें क्या करना होगा, जो अस्तर है अस्तर में से भी सेम इसी साइज के दो दो पीस कटिंग करने हैं, इसके साथ भी और इसके साथ भी। अस्तर में से भी दोस्तों हमने यहाँ पे दोनों पीस इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं, एक हमारा इसके लिए और दूसरा हमारा इस पीस के लिए। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, सिलाई में स्टिचिंग में सीखते हैं किस तरीके से जिप लगाते हैं और किस तरीके से बहुत ही प्यारा सा ये बैग हम बनाएंगे। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें एक एक पीस लेना है। जैसे हमने ये वाला लिया है तो इसमें हम ऊपर की साइड यहाँ पे जिप अटैच करेंगे। जितना हमने मार्जिन लिया हुआ है इसी मार्जिन का हमें ध्यान रखना होता है और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे जिप को ऐसे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे एक ये वाला पीस रखेंगे इस तरीके से और फिर से सिलाई लगाएंगे। सीधी साइड आ जाएगी हमारी ऐसे। ये जिप हमारी इस तरीके से यहाँ पे ओपन होगी। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है।
एक पैर चौड़ाई वाली लगा लेंगे। और ये वाला जो कपड़ा है इसको हम इस तरीके से करते हुए अच्छे से सेट करेंगे। अब हमें दूसरी साइड का भी पीस अटैच करना है। जैसे हमने ये किया है सेम इसी तरीके से हमें इस साइड में भी पीस अटैच करना होगा। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे इसको और इस तरीके से रखते हुए बिल्कुल बराबर, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और यहाँ पे लगाएंगे हम सिलाई। देखेंगे तो दोनों पीस हमारे यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे भी कपड़ा रखना है ताकि इस साइड भी हमारा ये कपड़ा अच्छे से, जैसे इस साइड में आया हुआ है तो नीचे की साइड भी आ जाए। यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से नीचे वाला स्तर ऐसे। और अब हम बिल्कुल बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे जिप के, बिल्कुल बराबर बराबर। तो अब हम देखेंगे ये साइड हमारी ऐसे आ जाएगी और सीधी साइड में हमारा ऐसे आ जाएगी। यहाँ पे भी हमें सिलाई लगानी है लेकिन अस्तर हम ऐसे रखते हैं, नीचे की साइड अस्तर ऐसे आना चाहिए जब हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं। अब नीचे से हमारे दोनों इस तरीके से अस्तर आएंगे और सीधी साइड हमारी ऐसे आएगी ऐसे। ये हमारा जिप वाला पार्ट हो जाता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये वाला पीस इस साइड में ऐसे पलटते हैं और नीचे का अस्तर, दोनों अस्तर ऐसे मिला लेते हैं इस तरीके से, मिलने चाहिए ऐसे आपस में। और यहाँ से हम एक साइड से सिलाई की शुरुआत करते हैं। सिलाई आप कहीं से भी करेंगे, आपने क्या करना है यहाँ पे गैप रखना है इस तरीके से, तकरीबन 4 से 5 इंच का अस्तर वाले पीस में हमें गैप रखना होता है, इस साइड में गैप नहीं रखना होता। और यहाँ पे इस साइड के, इस साइड से जैसे सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल ध्यान रखते हुए बराबर मार्जिन रखते हुए यहाँ पे बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। पे पक्का करते हुए सिलाई को पूरा करेंगे और आगे जो हमने निशान लगाया है यहां से सिलाई की शुरुआत करेंगे। ये जो दोस्तों जिप होती है इसको हम यहां पे ओपन कर लेते हैं, क्योंकि अगर इसको ओपन नहीं करेंगे तो कुंडा जो होता है, लॉक जो होता है, ये बाहर रह जाएगा, फिर ये दिक्कत हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे, हल्का सा ही ओपन करते हैं, ज़्यादा ओपन नहीं करते। जिप आपस में मिलनी चाहिए।
तरफ हम जहाँ पे भी आपको मार्जिन ज़्यादा लगता हो वहाँ का मार्जिन कटिंग कर ले। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस साइड से हाथ डालते हैं ऐसे अंदर की साइड और यहाँ पे हम कॉर्नर बनाते हैं ऐसे, इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे ऐसे कॉर्नर बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। तकरीबन तकरीबन 1 इंच की हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। कोई भी यहाँ पे फर्क नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बहुत ही आसानी के साथ हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन काट देंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड में भी ये सिलाई हम यहाँ पे जो हमने ये गैप रखा है यहाँ से हाथ डालते हुए अच्छे से इसको सेट करते हैं ऐसे और नोक बनाते हुए यहाँ पे बिल्कुल नोक बनाते हुए ऐसे ही सिलाई लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है सेम इसी तरीके से हम जो ये वाले कोने हैं हमारे इनमें भी सिलाई लगाएंगे। दूसरे कोने में भी टोटल 4 कोने होते हैं इसमें, नीचे की साइड 2 अस्तर वाले और 2 मेन फैब्रिक वाले, चारों में इसी तरीके से कोना बनाते हुए नोक बनाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे सिलाई अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको पलटते हैं यहाँ से, जो ये हमने गैप छोड़ा हुआ है इसी गैप में से हमें पूरा पीस ये पलटना होता है। इस तरीके से यहाँ से पलटेंगे और इसको इकट्ठा यहाँ पे ऐसे पलटते हुए ऐसे इकट्ठा करते हुए बीच से ऐसे पलट लेते हैं। ये बुकरम होती है, थोड़ी हार्ड होती है, छोटा पर्स है तो इसलिए हमने बुकरम लगाई है। यहाँ पे इसको इस तरीके से पलट लेंगे। दोस्तों पलटने के बाद हमारा एक पीस अस्तर वाला इस साइड आ जाएगा और मेन फैब्रिक इस साइड आ जाएगा। ये जो हमने सिलाई लगाई थी यहाँ पे तो ये हमारी ऐसे आएगी क्रॉस में और सेंटर में सिलाई यहाँ पे ऐसे आएगी। तो पर्स तो तकरीबन हमारा तैयार हो जाता है। ये जो गैप होता है ये भी हमें यहाँ पे कवर करना है। इसको कैसे बंद करते हैं, इसको अंदर की साइड ऐसे डालेंगे मार्जिन को ऐसे और इसको अच्छे से ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाएंगे। अब हमें बस ये वाला जो कपड़ा होता है अंदर की साइड ऐसे डालना होता है इस तरीके से। तो पर्स हमारा बनके यहाँ पे तैयार हो गया है। इस तरीके से दोस्तों हमने अस्तर अंदर की साइड ऐसे फोल्ड कर लिया है और बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमारी ये पर्स
पर्स तैयार हो जाता है, किट भी बोल सकते हैं इसको, पर्स भी बोल सकते हैं छोटा, और इसमें आप कोई भी सामान डाल सकते हो इस तरीके से, जैसे मैंने फ़ोन डाला है, चार्जर डाल लिया है, और मार्कर है, ये मार्कर है, इस तरीके से बहुत ही प्यारी सी यहाँ पे हमारी ये सेव आ जाती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को शेयर व लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।